नमस्कार दोस्तों, एसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जैसे कि हमने बात कर रहे हैं और कंटिन्यू बात कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ, ये क्यू हिरन जेम है, क्यू एक मल्टी बैगर है और क्यू इसमें दम है और यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। सो हम लगातार आपको ये लेवल से मार्क करके यहाँ से अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी सारे वीडियोस हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों, और आपको भी स्टडी करने के लिए प्रवृत्त किया है दोस्तों। डिसीजन आपका है, इन्वेस्टमेंट पैसा आपको लगाना है, रिस्क आपको लेना है। जहाँ आप रिस्क लेंगे वही आपको पैसा कमाने का मौका है, लेकिन रिस्क ऐसे जगह लेना है जहाँ पे फ्यूचर है, इसलिए आपको वहाँ पे स्टडी भी आपका जोरदार होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हमने जैसे कि ये आपके साथ शेयर किया था, ये मार्क लेवल रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ये वाला ब्रेक करके ये मोमेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज में ये खेला है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न बन के ये ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया दोस्तों। ये हमने आपको टारगेट दिया था, फर्स्ट वाला 13.15 का टारगेट था और 13.15 आज के डेट में आ चुका हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 13.15 का हाई बनाया दोस्तों आज के डेट में। ये हमारा टारगेट आ चुका हो गया दोस्तों, फर्स्ट वाला। टारगेट लेवल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मेरा सजेशन के जो यहाँ से इंटर किया है और जो ये लेवल्स में आया उसने अपना कैपिटल को प्री कर देना चाहिए बस, और बाकी अमाउंट को अगर यहाँ पे आपको दम लग रहा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट लेवल था टारगेट का, ये अचीव हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आगे वाले लेवल्स काफ़ी चैलेंजिंग है और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ वो भी अचीव हो जाएंगे। ये हमने आपको दिखाए थे वो वाले लेवल भी, तो वो लेवल्स भी हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको मैं एक करता हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है देख सकते हैं, उसके आगे तो हमने डिस्कस किया है, आप पीछे वाले वीडियो भी देखिए दोस्तों। ये है अपना 15.05 का लेवल नेक्स्ट वाला, उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल है 17.75 का, उसके आगे है 19.70 का। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पीरियड ये लेवल्स अचीव होने के बाद अपना नेक्स्ट लेवल है 38, और उसमें कहाँ कहाँ ब्रेकेज आएंगे वो हम इन लेवल्स को पार करने के बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, एकदम से यहाँ जाएगा ऐसे नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे मूवमेंट देगा, ऐसे हो सकता है थोड़ा सा ड्रॉप भी लेगा। लेकिन दोस्तों आई होप ये अभी इस लेवल के नीचे, ये जो ये बॉर्डर बना हुआ है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसका जो डेवलपमेंट्स है और डेवलपमेंट के चलते ये कहाँ से कहाँ जा सकता है दोस्तों। ये देखिए जो फंड राइजिंग का न्यूज था दोस्तों, फंड राइजिंग के ऊपर ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। तो इन टोटल आप देखेंगे तो फंड राइजिंग करने जा रहा है, आप देख सकते हैं। इन टोटल यहाँ पे ये 15,000 करोड़ और ये 15,000 करोड़, ए एंड बी पार्ट है। ए एंड बी पार्ट में टोटल जो ए एंड बी मिला के वोडाफोन आइडिया लगभग 25,000 करोड़ यहाँ पे फंड राइजिंग करने जा रहा है दोस्तों। ये डिस्क्लोजर एनएससी और बीएससी दोनों को दिया है आज के डेट में, दिया है वोडाफोन आइडिया की तरफ से कम्युनिकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं। ये बीएससी के साइट से मैंने डाउनलोड किया दोस्तों, ऑथोराइज कम्युनिकेशन है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं बीएससी के साइट में जाके, ये बीएससी के साइट में सर्कुलर जो आया है उसी को मैं डाउनलोड किया है, और ये आप देख सकते हैं बीएससी के साइट से ओपन किया हुआ है। तो ये हो गया 25,000 करोड़ का ये लोग फंड राइजिंग करने वाले, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ये 25,000 का फंड राइजिंग प्रपोजल है, प्रपोजल इनका ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है, और ये 25,000 करोड़ दोस्तों जरूर
राइज कर लेंगे, और 25,000 करोड़ इन्होंने राइज किया तो क्या और क्या चाहिए। वोडाफोन आइडिया एकदम धमाका कर देगी, एकदम धमाका हो जाएगा दोस्तों 25,000 करोड़ अगर इसने अचीव कर लिया तो, क्योंकि फंड राइजिंग करना इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क जरूर है, लेकिन इसके प्रमोटर स्ट्रांग है। और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है और जो इमरजेंसी सर्विसेज के तरह इसको देखा जाता है दोस्तों, तो मोबाइल एक ऐसा सिचुएशन है कि मोबाइल हर एक को मस्ट है दोस्तों, तो इसलिए मोबाइल कंपलसरी जरूरी है। और यहाँ पे तीन ही प्लेयर बचे हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। BSNL थोड़ा बहुत है, MTNL थोड़ा बहुत है, उसका ऑलमोस्ट खात्मा हो गया है उनका, और वो सब गवर्नमेंट प्लेयर कंपनी है, सो उसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये तीन प्लेयर में भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी बोल दिया कि उनका आरपू कम से कम 300 होना चाहिए। जियो का आरपू ज़्यादा है वोडाफोन आइडिया से, भारतीय एयरटेल का भी आरपू ज़्यादा है, सो उनको कंपैरिजन में जाने से भी इनको कम से कम 50 रुपीज मिल सकता है। तो ये लगभग अगर इनके 28 करोड़ के आसपास इनके जो ये है टोटल सब्सक्राइबर है अभी के डेट में, और 28 करोड़ में अगर इन्होंने 100 रुपीज अगर आपको बढ़ा लिया तो 28,000 करोड़ इनको सीधा सीधा इसमें रिवेन्यू मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको खराबी नहीं दिखता दोस्तों, यहाँ पे एक वोडाफोन आइडिया को लाइफलाइन मिल गई है, तो आरपीयू से आरपीयू बढ़ेगा जरूर, और आरपीयू बढ़ने से वोडाफोन आइडिया का सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए फंड राइजिंग एक अच्छा रास्ता उन्होंने अपनाया है। सो ओवरऑल ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद वोडाफोन आइडिया अगर आप अगले साल तक देखेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं हो सकता कि ये 50-100 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा होगा, ये भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट डायनेमिक होता है, मार्केट में सिचुएशंस जैसे बदलता है वैसे वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन प्राइस मूवमेंट भी आता है। तो ये एक हिडन जेम है दोस्तों, हिडन ट्रेजर बोल सकते हैं आप, एक हिडन या इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, डार्क हॉर्स भी बोल सकते हैं। सो ये है वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाले हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया में और ये कंपनी में, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों, बिना रिस्क लेके कुछ नहीं होगा, कुछ कम हो सकता है कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस कंपनी में रिस्क क्या है रिवार्ड क्या है, आपको रिस्क कितना हो सकता है, रिस्क अगर ले लिया तो कितना जाएगा। गोल्डमैन सैच जो रिनाउंड ये है आप जानते हैं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने इसका जो टारगेट दिया दोस्तों 3 रुपये का दिया था, और उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया था टारगेट देने के लिए, और दूसरा रेटिंग एजेंसी ने इसका टारगेट दिया था 6.5। सो ये आप बहुत बड़े नाम है, इनके इनका रिपोर्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो ये आपका अपना नज़रिया होना चाहिए सोचने का, क्योंकि हर एक ब्रोकर हो या रेटिंग एजेंसी हो वो अपना इंटरेस्ट देख के वहाँ पे रेटिंग या टारगेट देता है, ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों। सो इतना ये होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया ने एक ज़बरदस्त छलांग लगाई है दोस्तों, और ये मोमेंटम आगे जारी रहेगा, हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, लेकिन इन ओवरऑल टोटल देखेंगे तो ये ज़बरदस्त मोमेंट देने वाला है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए दोस्तों, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं जो भी आपके साथ शेयर करते हैं वो मेरा अपना ओन ओपिनियन रहता है अपना स्टडी के बेसिस में, और इसको किसी चैनल के साथ आप कोरिलेट मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि हर एक चैनल का अपना अपना व्यूज अपना अपना सिस्टम रहता है आइडेंटिफिकेशन का, सबका अपना अपना एनालिसिस। दोस्तों आप जानते हैं
हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। सो ये आईपीओ दोस्तों इशू हो रहा है 7 सितंबर 2020 को और इशू क्लोज हो रहा है 9 सितंबर 2020।